अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल टुडे? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। मैं लास्ट व्लॉग तो मेरा कब आया था मेरे को भी खुद याद नहीं है, बस जब से गेम प्लेज ही डाल रहा हूँ मैं। सो ये कोरोना इतना मेजर हो गया दुनिया में, सब लोग डर रहे हैं मिलने इधर उधर जाने, बट हम लोग क्या करें। आज बहुत दिन भी हो गए और सब काम पूरे कंप्लीट हो गए हम लोग के, जो जो भी करना था। रमज़ान हो गया, ईद हो गई, चलो अब हमारे फैमिली फार्म हाउस पे आ गए हम लोग सब आके। ज़्यादा कोई भी नहीं, ज़्यादा लोग नहीं है, बस हमारी इमीडिएट फैमिली है बस। अभी अच्छा वेदर था, अच्छा बारिश के भी आसार थे, एकदम धूप आ गई। चलो कोई नहीं, अपने पास हर चीज़ का कवरेज है। सो यस, गाड़ी में से निकलेंगे। वैसे तो मेरे को शुरू से शूट करना था, अभी हम लोग पहुंच गए, बस मैं गाड़ी में बैठ के इंट्रो शूट कर ले रहा हूँ। सबसे डिफ़िकल्ट काम मेरे को यही दिखता है, इंट्रो शूट करना, बहुत हेक्टिक दिखता जॉब, फिर परेशान हो देंगे गाड़ी में कहीं को बैठ गया ही नहीं। यस, फाइनली एक 3 मंथ्स के बाद निकल रहा हूँ मैं बाहर। बाहर निकल रहा हूँ बोले तो ऐसे ऐसी जगह आया, ऑक्सीजन लेवल तो 100% है यहाँ, बाल तो खतरनाक बढ़ गए मेरे, जंगली नंबर 1 हो गया, घर पे ही काट लिया था। हाँ, हम लोग देखो अब फार्म हाउसेस तो ज़्यादा हैदराबादियों के, मोइनाबाद पे रहते, तो हम लोग मोइनाबाद पे, हमारा ये फार्म हाउस फैमिली फार्म हाउस जो है उसके अंदर एक छोटा सा विलेज है केतरेडी पल्ली, उसमें है ये। तो थोड़ा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ मैं आप लोगों को इधर का। ये छोटा सा रेस्ट हाउस है, इसमें छोटा एक बाथरूम है 10x10 का, और एक 2 दिन रह सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये इसको गजीबो बोलते कहते हैं इसको, ये समर के टाइम पे बहुत अच्छा बैठ सकते हैं इसमें, वो चिलमन वो जो दिख रही हो अच्छा छोड़ के। एंड ये अपने एज यूजुअल ये सर्वेंट क्वार्टर्स है, जो भी हमारे ये केयर टेकर्स हैं यहाँ के, इन लोगों का घर है ये। और उसके बाजू ही कुत्तों का केनल, डॉग केनल है, जो कि अभी कुत्ते है ही नहीं, पहले थे, सब मर गए या भाग गए क्या हुआ कि। सो ये है वो, वह कोई भी नहीं, एक छोटा अच्छा था यहाँ पे क्यूट कुत्ता, गायब हो गया। और बस लश ग्रीन है एकदम फार्म हाउस माशाल्लाह से, बारिशें इतने पड़े, स्विमिंग पूल नहीं है सैडली, क्योंकि उसका इतना मेंटेनेंस रहता स्विमिंग पूल का, इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन। सो और हमारे एल्डर्स को पसंद भी नहीं स्विमिंग पूल, तो ये नहीं है यहाँ पे। अलबत्ता एक छोटा सा पाउंड है, ये अपने वास्ते नहीं है, बट छोटे से फिशेस है इसमें, और क्या क्या एक्वाटिक एनिमल्स है कि इसके अंदर, एक बार फ्रॉग भी दिखा था मेरे को। अभी तो पानी बिल्कुल ख़राब हो गया, और उधर वो जो दिख रहा आपको बड़ा, इसमें एक बड़ा सा हॉल है, वो एक बांध टाइप है वो, और इसमें ये यहाँ पे कुछ चीनी मुर्गियाँ रखने वाले थे हम लोग, बट ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि प्लान ड्रॉप हो गया या हॉल पे है प्लान नहीं मालूम। सो अब ये केयर टेक हमारे बड़े मामा करते, उनका ही काम। ओहो, ये देखो गाइस, मॉनिटर लिजर्ड दिख रही होंगे आप लोगों को, ज़रा जूम करके देखेंगे, ये देखो। अच्छा, लेट्स लीव हर अलोन। सो आप लोगों को वो तरफ लेके चल रहा हूँ मैं। बर्ड्स अच्छे थे उसमें भी, बट ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि मर गए शायद, या भाग या उड़ गए बर्ड्स, नहीं मालूम, बिल्कुल कम हो गया यहाँ पे बर्ड्स का। बहुत थे इसमें, लव बर्ड्स थे, दुनिया के थे, बहुत कम हो गए बर्ड्स यहाँ पे अभी भी, लेकिन है थोड़े, आवाज़ तो आ रही। या ये बाहर के बहुत थे यहाँ बर्ड्स, अच्छे छोटे छोटे लोग घर भी बनाए थे, क्यूट क्यूट। अरे वो देखो,
झाड़ पे अच्छा बैठा है एक बर्ड, इसका ले सकते शॉट अपन। अरे उड़ जा रहा हूँ, ये ऊपर बैठा देखो एकदम। गाइस यहाँ की वाइब ही अलग रहती है, यहाँ की एकदम हवा में एकदम चेंज रहता, कंप्लीट एकदम CO2 से दूर, एकदम अच्छा दिखता, फील अच्छा होता। एवरी मंथ एक बार आते हम लोग, ये छे वो बांध अभी तो क्लोज है बिल्कुल, एवरी मंथ आते हम लोग एक बार तो भी टप करते यहाँ पे, अच्छा फैमिली गेट टुगेदर स्पॉट है बल्कि। और ये हमारा वो नहीं है, कमर्शियल यूज़ पे नहीं है ये, इसमें भी कुछ रखे थे इसमें, कुछ भी नहीं है बस खाली है। यस टाइम हो रहा है 2:15 है, सहर नहीं पड़ा अभी तक और आखिरी दबा के भूख लग रही, कुछ भी खा के नहीं आ सकते। और झाड़ों की हालत देखो, पूरे पूरे जल गए झाड़ा, बहुत कॉस्टली आते गए ये झाड़ा, ये जितना भी मेंटेनेंस को लगा बहुत लग गया पैसा यहाँ पे, ऑब्वियसली करना पड़ता है, इतना बड़ा है फार्म, वहाँ तक है टोटल, वहाँ से लेके वो ब्लैक गेट तक। बस अच्छा फैमिली स्पॉट है, गेट टुगेदर अच्छी हो जाती यहाँ पे। और ये कोरोना से इतना परेशान हो गए थे, 3 months एक हाउस अरेस्ट के जैसा थे हम लोग, तो अच्छा दिख रहा है हम यहाँ आके। लेकिन आज मास्क वास्क कुछ भी नहीं पहना, वैसे तो कोई है नहीं, अपने लोग है बस, लेकिन एक डर है, कैसा डर बिठा दिया देखो ये कोरोना का। सो यस खाने का टाइम हो गया, बहुत ज़रूरी है डाइट लेना, एसेंशियल हो गया मेरे वास्ते तो। आई गेस ये हिल रहा नहीं, क्या है कि कैसा आ रही कि मेरे ज़्यादातर लोग बहुत कंप्लेन करे कि मेरा वीडियो बहुत शेक हो रहा, मैं स्टेबलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक ऑन भी करे बस हो रहा बोले तो, फिर अब मेरे को नहीं मालूम कैसा क्या करना, एडिटिंग में थोड़ा अपन उसको काउंटर कर ले सकते। सो अब खाने की तरफ जा रहा हूँ था मैं, खाना खा के फिर नमाज़ पढ़ना है, नमाज़ नहीं हुई जब से, बहुत बेचैनी हो रही, उसके बाद फिर शूट करेंगे आगे का, बताएंगे क्या है क्या नहीं है। एंड यस खाना हो गया, ज़बरदस्त बना था खाना, ब्रोस्ट आप लोग जो देखे ब्रोस्ट था, वो तो स्टार्टर्स थे वो तो, और अल्टीमेट बोले तो अल्टीमेट तलावा गोश दाल खाना ऑसम था, इतना खा लिया मैं, यहाँ तक आ गया फुल। तो अब ये देखो, हेलो हेलो हाय, ये छोटे कजन्स है मेरे पीछे पीछे फिर रहे ना, क्योंकि इन लोगों ने अब कोई है नहीं इधर खेलने, तो मेरे को ही पकड़ लिया है बेचारे। सो यस तो मैं वॉक करने निकला, ओवर खाना खा लिया, क्योंकि अब डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फिर मुश्किल हो जाती। सो यस इसका एक 2 राउंड मार लिया मैं फार्म के, तो सेकंड राउंड को पहले बैठ सकते। एज़ यू कैन सी हियर, ये हमारे रेस्ट हाउस का छोटा जो है, इसके बैकयार्ड में आ रहा हूँ मैं, ये प्लेस, यहाँ पे अपन बारबेक्यू ये वो सब कर ले सकते हैं, इससे पहले हम लोग करे भी थे, अमेजिंग था, यहीं जलाया था मैं बारबेक्यू, इधर देख सक रहे हैं आप लोग, अभी भी है उसके एशेस, सिंटेक्स की टैंक, अच्छा रह जा सकते हैं। और ये सेकंड डोर ऑब्वियसली रहना ज़रूरी है रेस्ट हाउस का, एकदम मैं ज़रा बच बच के चल रहा हूँ, यहाँ इससे पहले एक स्कॉर्पियन आ गया था, उससे बच के रहना गाइस, अगर वो काट लिया बोले तो बहुत पूरा पॉइजन चढ़ जाता।
ही मालूम हुआ मेरे को यहाँ पे चाइनीज चेरीज का अच्छा एक झाड़ आ गया, कहते उग गया। हाँ ये देखो दिख रही, देखो तोड़ के खाएंगे, देखो ऐसी दिख, ये देखो ये रेड। बगैर धोई खा लेना, बिस्मिल्लाह। ओह नो क्या गलीज है तू। एंड यस, टाइम हो गया हम लोग का निकलने का, अब निकल रहे थे। वैसे भी उतनी ही शाम नहीं हुई, वैसे हम लोग एवरी जब भी आते इधर 7 o'clock में, या तो 8 o'clock को निकलते, बट अब कोरोना होने की वजह से जल्दी निकल जा रहे हैं हम लोग। सो यस, इतना ही था आज का व्लॉग। अच्छा दिखा तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा ये मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं बहुत दिन हो गए थे व्लॉग नहीं बना के, सो ट्राई करा मैं, देखेंगे और लॉकडाउन खुले बस है और कहाँ कहाँ जाना है। सो टिल देन आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।